पश्चिमी यूपी के बिजनौर जिले में बेखौफ बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कार सवार तीन बदमाशों ने बाइक सवार तीन लोगों को गोली मार दी, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं हालत नाजुक देखते हुए दोनों घायलों को मेरठ अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। क्या हुआ आपके साथ ही बताओ साहब? हम हमारे चचेरे के भतीजे के साथ थे। अच्छा, हम दोनों लेने के लिए गए बड़ापुर जी, सावत्ती का वाला मेहमान लगी थी जी। तो हम जैसे उधर से वापसी आए तो एक चार पहिए गाड़ी खड़ी थी रोड से बची हुई साइड में, तो हम सब बोले, मैं कहा हमें रामपुर का रास्ता पता, तो हम बोले भैया रामपुर का इधर नहीं, रामपुर नहीं। और एक ने रैपट आके मार दिया हमारे भतीजे का और दूसरे ने गोली मार दी पीछे का, तीन फायरिंग करी हमारे पास। कितने लोग थे आप? हम तीन ही थे साहब। वो जो मेरी गाड़ी में बैठा था दो बाहर थे गाड़ी से। तो क्या बदमाश जो थे नकाब पोश थे या नहीं? दाढ़ी रोक रखी, सफ़ेद कपड़ा ऊपर बांध रखा, लाल जो पठान सूट होते हैं ना, ऐसे पहले पहचान दिया तुमने अपनी? जी नहीं। तो भाग्य में गाड़ी में थे? बाइक में थे? गाड़ी में थे भाई। हम अपने दो क्या कहा आपको? आप लोगों को रोक के क्या कहा? उन्होंने ये बताया कि हमें रामपुर का रास्ता बता दो, भाई इधर कोई रामपुर नहीं है। अब इस लड़के का रेपट मार दिया हमारे भतीजे का, फिर भी एक पीछे से आकर उन्होंने गोली मार दी भाई। इतनी दुर्घटना हुई, तीन गोली तीन तीन फायर करे जी, तीनों को एक एक करके जी। मैं जैसा पिछले वाले का लगी ना तो मैं मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया, क्या अपनी जान बचती। तो किसी की मृत्यु भी होगी जी? क्यों गुलाकी सिंह की, वो भी आपके साथ ही है जी, हमारे चाचा लगे। बड़ापुर से तीन पेशेंट आए जिनको तीनों को गोली लगी हुई है। एक तो ब्रोड डेड आया है जी, जिसकी कमर के पीछे गोली लगी हुई है बाई साइड के। दो जो हैं, एक फिरोजी नाम का है और एक महावीर नाम का है, दोनों के बाएं पैर के कुल्ले के आस के पास गोली लगी है और दोनों गंभीर अवस्था में यहाँ पर भर्ती किए गए हैं, जिनको अभी रेफर किया है। सर क्या कुछ पता चल पाया कि किस वजह से इन्हें गोली मारी गई? अभी नहीं है, इन्होंने बताया कि ये मोटरसाइकिल पर तीनों कहीं जा रहे थे, इससे ज़्यादा अभी कोई जानकारी नहीं। एक ही मौत हो गई? एक ही मौत हो गई। विश्व पृथ्वी दिवस पर डीएम अभय सिंह की अगुवाई में बुलंदशहर के समस्त सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस दौरान बुलंदशहर में अलग अलग स्थानों पर करीब 1,00,000 पौधों को लगाया गया। अभियान की शुरुआत डीएम आवास से स्टूडेंट्स ने पृथ्वी बचाओ रैली निकाल कर की। रैली डीएम रोड से होते हुए काला आम पहुंची और सम्पन्न हुई। रैली में शामिल स्टूडेंट्स के हाथों में पृथ्वी बचाओ स्लोगन लिखे बैनर, पोस्टर और तकनियां भी थी। सर, विश्व पर्यावरण दिवस पर आज क्या क्या कार्यक्रम पूरे जिले भर में हो रहे हैं और होंगे आगे, इसके लेकर पूरी क्या आज कार्यक्रम है? इसके लिए आज हम सब लोग जानते हैं कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, विश्व अर्थ डे है जी जी जी। तो उसके लिए सभी जगह पे हमारे यहाँ पर जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम हम लोग करा रहे हैं। बच्चों का सहयोग ले रहे हैं, लोगों का सहयोग ले रहे हैं, अधिकाधिक वृक्षारोपण भी करा रहे हैं, पर्यावरण के प्रति लोगों को सजग कर रहे हैं कि हम लोगों का जो एग्जिस्टेंस है इसी कारण से है। तो इसको जितने लोग हैं, सब के सब बच्चे हैं, लोग हैं, एक एक दो दो पेड़ लगाएं और उसका ध्यान रखें। सर क्या आगे भी इसी तरह रहेगा या आज ही सिर्फ? नहीं, आगे भी रहेगा। इसके लिए हम लोग बहुत ही वृहद कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। सारे सारे पेड़ जितने लगाने हैं साइडों पे, रोड के किनारे, हमारे बाकी जो पैचेस हैं, हमारे गांव के जो हमारे जितने भी गौचर वाले मतलब जो पैचेस हैं जिस पर हम लगा सकते हैं, उस तरह के हम छटनी करा के मैक्सिमम वृक्षारोपण हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर करें और रिकॉर्ड स्थापित करें। सर, वन विभाग जो है एक अभियान चलाकर लाखों लाख पेड़ लगाता है। हाँ, हाँ। उसके बाद में उनको लावारिस छोड़ दिया जाता है। हाँ, हाँ। उसको लेकर के क्या प्लानिंग है? वो लावारिस ना छोड़े, उनकी परवरिश होती है। उसके लिए यही है कि जो जो जहाँ जहाँ जिस जिस विभाग पे लगाया जाएगा उस विभाग को कहा जाएगा वो देखने को भी। उसके लिए हम लोगों को जहाँ जहाँ ट्री गार्ड की आवश्यकता पड़ेगी ट्री गार्ड लगाया जाएगा, जहाँ बाकी कोई चीज़ की होगी उसकी प्लानिंग करके उसके बाद उसका कराएंगे। और मेरा सभी को एक संदेश देना होगा कि दो लाइन में मैं कहूँगा कि पौधे अधिक लगाइए बढ़कर ये संतान, पौधे अधिक लगाइए बढ़कर ये संतान, इनकी रक्षा से बढ़े सबका ही सम्मान। थैंक यू।